नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, तो आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे ऐसा करता हूं। और दो डेट्स के एग्जाम बीएचयू ने टाले हैं, तो उनके एग्जाम फर्दर कराए जाएंगे। बाकी एग्जाम्स के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, तो आप अगर कंफ्यूज हैं दूसरे चैनल्स को देख के, दूसरे वीडियोस को देख के जो आपको सिर्फ गुमराह करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि उन चैनल्स को आज से नहीं देखिए। सख्त हिदायत है हमारी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, आज इस वीडियो में आपकी अंतिम महीने की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। क्या होनी चाहिए आपकी लॉकडाउन, जो घर पे बैठे हैं आप, अंतिम महीना चल रहा है, उस तरह किस तरह से आप पढ़ें ताकि आपका बेहतर हो पाए और आप एग्जाम बेहतर दे पाए और अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लेरिफाई करके बीएचयू में आ पाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि जिनका एग्जाम्स का डेट मतलब बाद में है, 10 मई के बाद है, वो अपने एग्जाम्स का डेट अभी भी वही मानेंगे, क्योंकि बीएचयू ने ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो चूंकि अदर चैनल्स अफवाहों पे चलती हैं, ठीक है, आपको गलत न्यूज देती हैं, आपको फैलाती हैं गलत न्यूज, ताकि आप भ्रमित हो पाए और इधर उधर की चीजों में अपनी तैयारी खो दें। ठीक है, तो उन चैनल्स को तो आप फॉलो करिए या ना करिए, मैं ये कहूंगा कि आप अपनी अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो बीएचयू के गाइडलाइंस को फॉलो किया करिए, और हम आपको हमेशा सटीक जानकारी जो आती है उसी को देते हैं, तो हमें आप फॉलो करिए। ठीक है, देखिए पहली बात इस अंतिम महीने में है कि आपको अपने एक महीने का जो भी 20-25 दिन का अंतिम महीने का शेड्यूल है उसको प्रॉपर अभी से बना लेना है। ठीक है, मतलब आपको टाइम टेबल प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लेनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको कि 20 दिन का जो भी शेड्यूल होगा उसमें स्पेसिफाइड एकदम, ठीक है, एक एक दिन का क्या क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें आपको बना लेनी है। एक दिन में कितने घंटा पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटा पढ़ना है, ये पूरा बना लेना है। इससे आपकी तैयारी को एक अच्छा रूप मिलेगा और आप बेहतर होकर थोड़ा सा तैयारी कर पाएंगे सही डायरेक्शन में। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिवीजन। बहुत बच्चे एक साल ड्रॉप किए होंगे, दो साल ड्रॉप किए होंगे, बहुत बच्चे साल भर से पढ़ रहे होंगे, बहुत बच्चे 2-3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, कुछ बच्चे बुक्स में हाईलाइट किए होंगे अपना चीजों को, कुछ बच्चे नोट्स बनाए होंगे, कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स का अपना छोटा बुक बनाए होंगे, डायरी बनाए होंगे, तो वो सबको पढ़ने का अभी टाइम है, अभी टाइम आ गया है कि उसी सबको पढ़ना है, ताकि आप क्या करें मतलब रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए चीजों का। जितना आपने अभी तक ज्ञान अर्जित किया, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, उन सभी चीजों को रिवाइज करना आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये होनी चाहिए आपकी सबसे मोस्ट प्रायोरिटी। आप नया चीज पढ़े या ना पढ़े ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आपने जितना अभी तक पढ़ा है, और मुझे पता है आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अगर सिर्फ आप बीएचयू वर्ल्ड के चैनल को फॉलो करते हैं तो भी आपने जीके जीएस बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा, जो भी चीजें आप पढ़े हैं उनको आपको अभी रिवाइज करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज आपको टाइम शेड्यूल बनाना है किस चीज के लिए, रिवीजन के लिए। दूसरा चीज रिवाइज करना है, ठीक है, सब लिंक्ड है। तीसरी चीज आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, आपको अवॉइड जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको एम तक जाने में, उस चीज को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है, देखिए एक एग्जांपल के तहत मैं आपको बताता हूं। एक बार एक राजा थे, उनके पास दो चिड़िया थी, एक चिड़िया आसमान में बहुत उड़ती थी ऊंचा ऊंचा, दूसरा चिड़िया आके पेड़ पर बैठ जाता था, अलसी किस्म का था। ठीक है, तो वो क्या करता था कि एक तो उड़ जाता था दूर दूर, दूसरा उड़ नहीं पाता था। राजा को चिंता थी, राजा को ये मन में था कि दोनों को उड़ते हुए मैं अपनी जिंदगी में देखूं, दोनों को बहुत पाला है प्यार से। तो उन्होंने ऐलान किया कि जो दोनों चिड़िया को उड़ा देगा उसको मैं बहुत इनाम दूंगा। अब इसी बेसिस पे बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत ज्ञानी लोग आए, बहुत महात्मा लोग आए, उसको उड़ाने की कोशिश की, बहुत ट्रेनर आए, ठीक है, बहुत उसमें ज्योतिषी आए, कोई उसको उड़ा नहीं पाया दोनों। तो अंतिम दिन एक किसान आया, उसने क्या किया कि चिड़िया को उड़ा दिया। अब राजा हैरान, कौन सी तकनीकी, कौन सी विद्या तुमने लगाई जिससे चिड़िया उड़ गई, इतने महान महान लोगों से नहीं उड़ पाई, तुमसे कैसे उड़ गई। उन्होंने बोला बहुत आसान था राजा साहब। तो उन्होंने बोला कैसे, बोला कि देखिए जैसे एक चिड़िया आसमान में उड़ती थी, दूसरी जैसे उड़ने जाती थी बार बार ये आपका जो वृक्ष था इस पे आके बैठ जाती थी। ठीक है, मैं देखा इसको यही ऑब्जर्व करता था कि ऊपर जाती थी फिर वो आराम करने इस वृक्ष पे आ जाती थी, हमने इस पेड़ को ही काट दिया। अब वो नीचे तो आती थी पर वृक्ष नहीं था, तो फिर वापस उड़ जाती थी ऊपर। इस तरह से मैंने उसका जो डिस्ट्रैक्शन था, उड़ने के लिए जो डिस्ट्रैक्शन था पेड़, उसको मैंने काट के हटा दिया।
इसी तरह से आपका जो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, जो भी चीज है वो आप समझते हैं आपकी चीजें हैं तो आप बेटर वे में समझते हैं, उसको आपको काट के यहां से हटा देना है चीजों को, ताकि आप बेहतर तैयारी कर पाए। ठीक है, हम सभी लोग घर पे हैं, आप भी घर पे हैं और घर में ही रहें। ठीक है, और घर से आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अभी तक आपने जितना पढ़ा है, विश्वास मानिए आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं एंट्रेंस के लिए, जिस चीज जितनी आपको डिलीवर हुई है, बस आपको क्या करना है उसको रिटेन करके रखना है। उसको क्या करना है, रिटेन करने के लिए आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करेंगे, टाइम शेड्यूल बढ़िया बना के। ठीक है, और टाइम शेड्यूल बना लेंगे पर उसको फॉलो कैसे, इंप्लीमेंट कैसे कर पाएंगे आप, जब डिस्ट्रक्शन को अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, तीन चीजें मैंने बताई। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको bhuonline.in पे मिल जाएगी, साथ ही बीएससी और बीए के हमारे bhuworld.com पे भी मिल जाएंगे, वहां पे आपको आंसर की भी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता है कि 5 साल का पेपर जब लगाएंगे तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा, कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम कितना स्ट्रांग हैं, हम किस में वीक हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको लगाने से आपकी कमजोरी, आप कहां कमजोर है, कितना स्ट्रांग है, क्या ट्रेंड है, किस सब्जेक्ट से मार्किंग होती है, ये चीज आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा चीजों का। ठीक है, उसके बाद अंतिम चीज मैं बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट जरूर करें, जिससे क्या होगा कि आपका एक टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे बहुत बच्चे होते हैं वो तेज बच्चे होते हैं, उनको सब आता है, वो कर ले जाते हैं पर वो टाइम शेड्यूल के अंदर नहीं कर पाते हैं। तो 2 घंटे का आपका एग्जाम है तो एक पेपर ले लीजिए। ठीक है, पीएचयू एंट्रेंस का ही पेपर ले लीजिए, या आप चाहे तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हमने 7 मॉक टेस्ट बिल्कुल बीएचयू के पैटर्न पे बनाया है। बिल्कुल आप ऑनलाइन जाके, जैसे ऑनलाइन एग्जाम देंगे बीएचयू का, उसी तरह से आप अपने घर बैठे मोबाइल से, कंप्यूटर से ईमानदारी पूर्वक दीजिए, क्योंकि आपको खुद को टेस्ट करना है तो दे सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है किस तरह से आपको खरीदना है टेस्ट सीरीज, वो सब उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक पे देखेंगे तो वहां पता चल जाएगा। ठीक है, आप मॉक टेस्ट लीजिए, प्रॉपर 2 घंटे का टाइम लीजिए, उसको एकदम उस तरह से करिए कि आप बीएचयू का एग्जाम दे रहे हैं, आप पहले करिए। हम मानते हैं 120 में पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पहली बार होगा, उसमें बिल्कुल डरना नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस चीज में कमी है, जहां कमी रह गई है उसको फिर से पढ़ेंगे, फिर अगले टेस्ट में उसको यूज करेंगे, फिर अगले टेस्ट में कुछ कमी पता चलेगी उसको और करेंगे अगले टेस्ट में। ऐसे अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, 60 टेस्ट देंगे तो अंतिम टेस्ट आते आते आपकी जितनी भी वीकनेस होगी सब स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि 7-7 दिन पे होते हैं टेस्ट अप्रॉक्स, तो उसमें क्या है कि आपको 7 दिन का टाइम मिल जाता है जिस चीज का आप कमजोर थे उसको तैयारी करने का। पढ़ तो आप सब चुके हैं, उसको बस एक जगह करना है, रिवाइज करके अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, तो ये चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका अंतिम महीने की स्ट्रेटजी, अंतिम महीने की तैयारी अच्छी जाएगी और लॉकडाउन का एक बढ़िया यूज कर पाएंगे, ताकि घर पे आप हैं तो चीजों का, समय का सही सदुपयोग करें। जब आपके कॉलेज स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम होंगे तो आपको ये ना लगे कि थोड़ा और समय मिल गया रहता, तो चूंकि पूरा भारत घर पे है तो इसलिए आपके पास बढ़िया समय है पढ़ने के लिए ये, और ये सबसे बेस्ट समय है अपने चीजों को यूटिलाइज करके आपको एंट्रेंस में टॉप रैंक लाने के लिए। चलिए मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आपको, किस कोर्स का चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, इसको कमेंट करके जरूर बताइए। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑल द बेस्ट।